सोए गाइस, ये है वीवो T3 Pro 5G स्मार्टफोन और आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और आपको 8 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा मिल जाता है। बट आपको अंदर ये जो कैमरा ऐप मिल जाता है ना, इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सभी फीचर्स मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। फर्स्ट फीचर, आप जैसे ही कैमरे को ओपन करेंगे तो यहाँ फोटो मोड पर आ जाएंगे। आप नॉर्मली कोई ऐसा फोटो निकालेंगे ना, तो ये जो फोटो है वो नॉर्मली निकली, मतलब इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है ना, उससे फोटो नहीं निकली है, नॉर्मली फोटो है। अगर आपको 50 मेगापिक्सल से निकालना है तो आपको यहाँ मोड पर आ जाना है और यहाँ आपको 50 MP पर क्लिक कर देना है। अब आप जो भी फोटो निकालेंगे यहाँ से तो वो 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है और जो फोटो की क्वालिटी है ना, वो काफी ज्यादा कमाल की रहेगी। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहीं फोटो पर आ जाना है। आप यहाँ पर 0.6 करके वाइड एंगल में फोटो निकाल सकते 1x और 2x में भी आप यहां से फोटो निकाल पाएंगे। हम जूम देख लेते हैं, आप यहां मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। बट आप 1x और 2x में फोटो निकालेंगे ना, उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, आप इससे ज्यादा जूम नहीं करिएगा। नेक्स्ट, आपको यहां फोटो निकालते समय फिल्टर दिए गए हैं, सॉरी फिल्टर नहीं, यहां पर ये स्टाइल बोलता है वीवो इन्हें, तो आप किसी भी स्टाइल का यूज करके यहां फोटो निकाल सकते हैं। अब आपको यहां फिल्टर पर आ जाना है। आपको यहां पर बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं, जो भी फिल्टर पसंद हो आप अप्लाई करके फोटो निकाल लेना। आप यहां से इनकी कैपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहां सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। आप यहां से फोटो के साइज डिसाइड कर सकते हैं, यहां से टाइमर लगा सकते हैं। यहां पर क्लिक कर देंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से ग्रीड लाइन आ जाती है, आप इससे पता कर सकते हैं कि आपने फोन को कितना सीधा पकड़ा है। इसके अलावा आप यहां लेवल को मिलाकर भी फोटो निकाल सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप ये जो लाइन है वो येलो हो जाएगी, समझो लेवल मिल गया है। तो आप यहां पर लेवल को मिलाकर फोटो निकाल सकते हैं। एंटी शेक को आपको ऑन कर लेना है। अब आप जब भी फोटो निकालते हैं अपने फोन को कुछ इस टाइप से हिला देंगे ना, तो आपको फोटो में शेकनेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको यहाँ इफेक्ट मास्टर भी मिल जाता है। अगर आप एक ही हाथ का यूज करके फोटो निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से आप कलर वगैरह को बढ़ा सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं इफेक्ट मास्टर की मदद से। अब नेक्स्ट आपको यहीं पर आ जाना है, यहाँ वाटर मार्क पर आइएगा। वाटर मार्क कैसे लगाना फोटो और वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी आपको यहाँ पर मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस भी मिल जाता है, तो आप इन्हें भी यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये काफी कमाल का है, आप जब भी फोटो निकालें ना तो HDR को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए, इससे आपकी फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी आने वाली है। कहीं धूप और कहीं छांव आती है ना, तो आप HDR को ऑन करके फोटो निकालिएगा, फोटो की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ वीडियो पे आ जाना है। हम सबसे पहले यहाँ रेजुलेशन चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं और 1080p 60 FPS और 30 FPS दोनों का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। स्टैंडर्ड स्टेबिलाइजेशन, अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन भी मिल जाती है, तो आप इनका भी यूज करके वीडियो शूट कर सकते हैं। हम यहाँ 4K में कर देते हैं और स्टेबिलाइजेशन को ऑन कर देते हैं। आप स्टैंडर्ड स्टेबिलाइजेशन में 4K की वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रा पे देखते हैं, तो आप जैसी अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन को ऑन करेंगे ना, तो वो आपको 1080p 30 FPS में जंप करा देगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ वीडियो बनाते समय भी बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं, सॉरी फिल्टर नहीं, मूवी लट्स कहता है वीवो इन्हें, तो आप यहाँ पर मूवी लट्स का यूज करके वीडियो शूट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से इनके जो कलर वगैरह हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ फिल्टर भी दिए गए हैं, ये नॉर्मली फिल्टर है, तो आप इनका भी यूज कर लीजिएगा। और हम यहाँ ऐप पर क्लिक कर देंगे ना, तो ये होता है अपर्चर। आप यहाँ पर बोके वीडियो बना सकते हैं, आप यहाँ पर 1080p 30 FPS में बोके वीडियो बना सकते हैं, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है ना उसे ब्लर करके भी आप यहाँ से वीडियो शूट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ ब्लर कम चाहिए तो इसे आपको स्ट्रॉन्ग कर देना है, और पीछे का ब्लर ज्यादा चाहिए तो आपको इसे वीक कर देना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ ब्यूटी मिल जाती है, तो आप यहाँ से फेस की ब्यूटी को कम ज्यादा करके वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ हम सेटिंग पर देख लेते हैं, तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हूँ। यहाँ आप वीडियो बनाते समय यहाँ इसे ऑन कर देना है, तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर सकते हैं। आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं और यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं वीडियो बनाते समय। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ मोड पर आ जाना है, यहाँ आपको पैनो मिल जाएगा, तो क्लिक कर लेना। अब आप ना यहाँ पर क्लिक करके धीरे धीरे करके सारे प्लेस को दिखा देना, तो बहुत बड़े प्लेस की फोटो आप एक ही फोटो में निकाल सकते, कुछ इस टाइप से आप पैनो की मदद से यहाँ पर फोटो निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए भी आपको यहीं मोड पर आ जाना है। यहाँ आपको अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट मिल जाती है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट की फोटो निकालते हैं ना, कुछ इस टाइप से डॉक्यूमेंट की फोटो निकालेंगे तो आप अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट से निकालना। ये ना सिर्फ डॉक्यूमेंट की ही फोटो कैप्चर करेगा, आइट साइड
साइड का जो बैकग्राउंड है ना उसे कैप्चर नहीं करेगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ पोर्ट्रेट मोड पर आ जाना है। इसमें ना गाइस बहुत ही कमाल के पोर्ट्रेट शॉट आते हैं। आप 1x और 2x में यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपको वीवो की तरफ से बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं पोर्ट्रेट निकालते समय। तो जो भी स्टाइल पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। यहाँ से आप इनके कलर की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। आप ऐप पर क्लिक कर देंगे तो ये होता है अपर्चर। आप यहाँ से पीछे के बिलर को कितना दिखाना चाहते हैं या फिर कम ज्यादा दिखाना चाहते हैं आप यहाँ से कर पाएंगे। हम यहाँ सेटिंग पर देख लेते हैं। ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ। और HDR पोर्ट्रेट को आपको हमेशा ऑन करके ही रखना है। इससे आपके जो पोर्ट्रेट शॉट है ना काफी कमाल के आने वाले हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको यही मोड पर जाना है। यहाँ ना स्लो मोशन पर आइएगा। अब आप यहाँ से स्लो मोशन वाली वीडियो शूट कर सकते हैं। हम रेजुलेशन देख लेते हैं। 1080p 120fps में आप यहाँ से स्लो मोशन वाली वीडियो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर्स आपको यही मोड पर जाना है। यहाँ से आप ना टाइम लैप्स वाली वीडियो बना सकते हैं। मतलब कि आपको कोई वीडियो है और उसे बहुत ज्यादा फास्टली आपको दिखाना है तो आप यहाँ से टाइम लैप्स वाली वीडियो बना पाएंगे। 0.6x में मतलब वाइट एंगल में भी आप यहाँ पर टाइम लैप्स वाली वीडियो बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है टाइम लैप्स में भी। देन आप यहाँ पर क्लिक कर देना तो कुछ इस टाइप से आप ना ट्रैफिक को दिखा सकते हैं या फिर आप कुछ इस टाइप से 30x में 60x में 19x में आप यहाँ से वीडियो शूट कर पाएंगे। बादल को उड़ते हुए दिखाना है या फिर आपको यहाँ अलग अलग फिल्टर दिए गए हैं मतलब स्पीड वगैरह दी गई है तो आप यहाँ से बहुत ज्यादा फास्टली वीडियो बना सकते हैं। यहाँ से आप ड्यूरेशन वगैरह सेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ प्रो का फीचर्स मिल जाता है तो आप यहाँ पर DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसे वीडियो बना सकते हैं टाइम लैप्स वाले। चलिए नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ ना नाइट मोड पर आ जाना है। अब आप नाइट में जब भी फोटो निकालते हैं ना तो आपको यहाँ नॉर्मली मोड से नहीं निकालना है, यहाँ आपको नाइट मोड से निकालना है। नाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे आपको फिल्टर दिए गए हैं तो जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लेना। यहाँ से इनके कलर की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। गाइस मैं वीडियो ना थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने में। देन आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये होता है सुपर मून। आप यहाँ पर क्लिक करके सुपर मून की फोटो निकाल सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप यहाँ ना मून की फोटो निकाल पाएंगे। और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये होता है पैनो मोड। तो नाइट के समय भी आपको परोनामा नाइट मोड मिल गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ स्नैपशॉट पर जाना है। अब देखो कोई रन कर रहा है ना तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर उनकी फोटो निकाल सकते हैं और जो फोटो है ना वो एकदम स्टेबली आएगी। इसके लिए भी आपको यहाँ पर फिल्टर दिए गए हैं कुछ इस टाइप से। ये पर्सन रन कर रहा है ना तो आप रनिंग में उसकी अच्छी फोटो मतलब स्टेबली फोटो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ भी फिल्टर दिए गए हैं तो आप फिल्टर का भी यूज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फीचर्स आपको यही मोड पर आ जाना है। यहाँ से आप सुपर मून की फोटो निकाल सकते हैं। देन आपको यहाँ ना प्रो पर आ जाना है। अब आप यहाँ से DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसी फोटो निकाल सकते हैं। आपको VV, वाइड बैलेंस, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस इन सभी को सेट कर लेना है फिर आप यहाँ से DSLR जैसी फोटो निकाल पाएंगे। अब आपको यहाँ नेक्स्ट के लिए यही मोड पर आ जाना है। आप ना अपनी वॉइस से भी इसमें फोटो निकाल सकते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी आपको यहाँ डबल व्यू वीडियो पर आ जाना है। अब आप यहाँ से फ्रंट और रियर दोनों का दिखाते हुए वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इनकी स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ ब्यूटी मोड मिल जाता है। यहाँ से आप रेजुलेशन सेट कर लीजिएगा। अब बैक आ जाइएगा, यहाँ आपको लाइव फोटो मिल जाती है तो आप यहाँ से लाइव फोटो निकाल सकते हैं। देखो आप लाइव फोटो से कोई भी फोटो वगैरह निकाल लेना है। अब आप उस फोटो में ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ना तो फोटो में क्या मूवमेंट हुई थी और क्या वहाँ की नॉइस थी आपको यहाँ फोटो में ही देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ से ना वाटर मार्क पर आइएगा और इसे ऑन कर दीजिएगा। आप यहाँ पर फोटो और वीडियो में दोनों में वाटर मार्क डाल सकते हैं। अभी ये वीडियो में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से वाटर मार्क आने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाइएगा फोटो में तो इसे भी ऑन कर देना। अब आप यहाँ से फोटो में भी वाटर मार्क डाल सकते हैं। आपको ना यहाँ पर ये बने बनाए वाटर मार्क मिल जाते हैं बहुत सारे तो जो भी आपको पसंद हो आप डाल लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके वाटर मार्क को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बार और क्लिक कर देना है। अब मॉडल नेम दिखाना है तो इसे ऑन कर देना है। डेट एंड टाइम दिखाना है तो इसे ऑन कर देना है। और कस्टम टैग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना है। तो अब आप जो भी फोटो निकालेंगे ना उसमें आपको डेट एंड टाइम और आपका नाम भी देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक फोटो निकाल के दिखाती हूँ। हमने ये फोटो निकाल ली है। अब आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ फोटो में
में ही वाटरमार्क देखने के लिए मिल गया है। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यही सेटिंग पर आ जाना है, यहाँ आपको शटर साउंड मिल जाता है। देखो आप फोटो निकालते समय ना क्लिक क्लिक करके जो साउंड आता है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देना है, नहीं तो ये पहले से ही ऑन रहता है। इसके अलावा मिरर सेल्फी को ऑफ कर लेना है। अब आप कोई भी सेल्फी लेते कुछ इस टाइप से तो वो इस टाइप से मिरर हो जाती है, इसलिए आप इसे ऑफ कर ही रखिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ क्विक एक्शन फॉर कैमरे को भी ऑन कर लेना है। देखो अब आपका फोन ऐसा बंद है, आप वॉल्यूम माइनस बटन को ऐसा दो बार प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही कैमरा ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ मैनुअल फोकस पर आ जाना है। आप यहाँ से मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस दोनों ही को ऑन कर सकते हैं। अब बैक आ जाइएगा नेक्स्ट फीचर्स के लिए, आपको यहाँ शटर पर आ जाना है और आपको टच स्क्रीन, वॉइस और पाम इन तीनों को ऑन कर लेना है। देखो अब इनसे क्या होगा, आप कैमरे में आएंगे और कहीं भी ऐसा टैप करेंगे ना तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाती है, और आप सेल्फी कैमरे में रहेंगे कुछ इस टाइप से अपने हाथ को दिखाएंगे तो भी ऑटोमेटिक फोटो निकल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी वॉइस से भी फोटो निकाल सकते हैं, आपको सिंपली बोलना है चीज, कुछ इस टाइप से आप चीज बोलेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स, आपको वापस से यही सेटिंग पर आ जाना है। गाइस हमने इसमें ना बहुत सारी सेटिंग वगैरह कर ली है, अगर आपको लगता होगा कि कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो इसके लिए आपको रिस्टोर डिफॉल्ट पर आना है और एक बार यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, देन अग्री कर लेना है। अब आपके फोन की सेटिंग जैसे पहले थी ना वैसे ही हो जाएंगी। सो गाइस ये रहे इस फोन के कैमरे के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।